Assalamu alaikum, this is Maria Shadir and I welcome you to my YouTube channel Chemistry of Physics. Back again with the 13th part of our playlist for UHS and MTCAT Chemistry MCQs Preparation Practice. So let's get started. Question number 1. Which is the easiest MCQ? Which compound is called universal solvent? So as everyone knows that universal solvent is water. So the right answer is option A. Question number 2 is the IUPAC name of an unsymmetrical ether with the molecular formula C4H10O. H नहीं है यहाँ पे, एक मिस्टेक है यहाँ पर, H नहीं आएगा क्योंकि ईथर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C4H10O होगा, H नहीं आएगा, ये मिस्टेक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, IUPAC नेम निकालना है एक ऐसा ईथर जो कि अनसिमेट्रिकल ईथर है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10O, अनसिमेट्रिकल ईथर होना चाहिए। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दिया गया और एक कंडीशन बताई है कि अनसिमेट्रिकल ईथर है, यानी कि अब हमने जो ऑप्शन अपने देखने हैं उसमें हम लोगों ने C4 वाला ईथर जो है वो देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन से आ रहे हैं जी, ऑप्शन ए इज इथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की एक साइड पे दो कार्बन यानी कि इथेन इथाइल वाला ग्रुप आएगा और एक साइड पे आएगा प्रोपेन, तो ये कितने कार्बन हुए, 5 कार्बन। तो ये तो हमारा वैसे ही आउट हो गया ऑप्शन क्योंकि ये तो C4 है ही नहीं। उसके बाद है जी हमारे पास इथॉक्सी इथेन, अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें इसमें क्या है, इथॉक्सी इथेन है और इथॉक्सी इथेन तो अगर हम देखें तो ये 4 कार्बन है बिकॉज यहाँ पे यह क्या होगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए C2H5O और C2H5, तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है जो कि हमें अपने ऑप्शन जो कि हमें अपने एमसीक्यूज में दिया गया है, क्योंकि इथॉक्सी इथेन क्या है, C4H10, दिस इज 5 एंड दिस इज 5H10 एंड दिस इज O, तो ये है तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। लेकिन जो एक कंडीशन उसने हमें दी है वो क्या है कि अनसिमेट्रिकल ईथर होना चाहिए, तो इस कंडीशन को इथॉक्सी इथेन फॉलो नहीं कर रहा, सो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो क्या है जी हमारे पास, मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो CH3O एंड CH2 मींस प्रोपेन यहां पर आएगा, CH2 एंड CH3, तो ये है जी हमारे पास मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें भी क्या है, 4 कार्बन मौजूद हैं, H10 है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इट शुड बी अनसिमेट्रिकल ईथर, और ये जो हमारे पास ईथर है दैट इज मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, मिथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज द IUPAC नेम ऑफ एन अनसिमेट्रिकल ईथर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, और ये अनसिमेट्रिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड, मिथाइल अल्कोहल किसमें फॉर्म होगा। अब अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में क्या है जी, ईथर है उसको रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ऑप्शन बी में क्या किया गया है, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नीदर ए एंड बी। हम लोगों को देखना है कि मिथाइल अल्कोहल किसके साथ फॉर्म होगा, तो हमेशा ईथर जो होगा जब वो एच आई के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, जब भी ईथर एच आई के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ये रिएक्शन किस तरह से होगा, अगर हम इसका रिएक्शन करके देखें तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है इसके एच आई के साथ इस तरह से, जैसे ये जो दिया गया है ईथर CH3 ऑक्सीजन एंड दिस इज C2H5, और इसको रिएक्ट करवाना है एच आई के साथ। जब एच आई के साथ ये रिएक्ट करता है तो बेसिकली मैकेनिज्म इसका क्या है, होता क्या है कि ये जो एच पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन के साथ आके लग जाता है, तो एज अ रिजल्ट बनता क्या है, ओक्सोनियम आयन बन जाता है, यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा, CH3O
C2H5 hydrogen. This is ऑक्सोनियम. ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है. ऑक्सोनियम आयन की जब फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है. सो ऑक्सीजन इस प्लस के चार्ज को खत्म करने के लिए ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सी टू पीछे क्या बन जाता है हमारे पास ये CH3OH की फॉर्मेशन हो जाती है. यानी कि ये वाली जो चीज है ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाता है और क्या बन जाएगा CH3OH यानी कि क्या बना जी मिथाइल अल्कोहल प्लस. ये जो चीज निकली है हमारे पास C2H5 पॉजिटिव यहाँ पे जो आयोडाइड है ये आई नेगेटिव के फॉर्म में मौजूद है. आई नेगेटिव के फॉर्म में मौजूद होता है ये क्या निकला है C2H5 का पॉजिटिव पॉजिटिव निकला है. तो ये जो है आयोडाइड वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक तो मिथाइल अल्कोहल बनता है दूसरा क्या चीज बन जाती है जी C2H5I इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन दूसरी हो जाती है C2H5 and I. तो दूसरी हमारे पास ये चीज बनती है. सो हमारा राइट आंसर क्या है जी ऑप्शन नंबर ए. बिकॉज ईथर जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा सो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा मिथाइल अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल द अल्क ऑक्साइड आयन दस फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हाट. जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ तो अल्क ऑक्साइड आयन जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूक्लियोफाइल होता है एसिड होता है या नानोक्लीज है. ठीक है तो जब हम बेसिकली क्या होता है कि जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है लेट्स सपोज दिस इज एन अल्कोहल आर ओ एच है हमारे पास और जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है आर ओ नेगेटिव एंड एन ए पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है एन ए पॉजिटिव. अब ये जो पार्ट है दिस इज आर ओ नेगेटिव ये है जी हमारा अल्क ऑक्साइड आयन और अल्क ऑक्साइड आयन ये क्या है आर ओ नेगेटिव है ना इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है. सो नेगेटिव चार्ज मीन्स इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. जो आर ये क्या बनता ये होता है जी स्ट्रॉन्ग जो आर ओ नेगेटिव बनता है यानी कि जो अल्क ऑक्साइड आयन बनता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इवन इट कैन एक्ट एज अ बेस. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो अल्क ऑक्साइड बनता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. क्वेश्चन नंबर 5 इज The removal of a molecule in a reaction is termed as the removal of a molecule. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है जी हाइड्रोलिसिस. ऑप्शन ए इज हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस तो बेसिकली एडिशन ऑफ द वाटर है. उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है. डिहाइड्रेशन मीन वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन. और हाइड्रोजिनेशन है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का ऐड होना. और हैलोजिनेशन क्या होता है एडिशन ऑफ हैलोजन. तो ये जो ए सी और डी ऑप्शन है ये तो एडिशन के ऑप्शंस हैं मींस इनमें एडिशन होती है कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है. लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज डिहाइड्रेशन दिस इज द ऑप्शन जिसके अंदर रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल हो रहा है. तो हमारा राइट आंसर क्या है जी ऑप्शन नंबर बी डिहाइड्रेशन क्योंकि डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 Sometimes Brazilians use fuel for their vehicles instead of petrol. The fuel they used is मतलब Brazilian जो थे वो fuel use करते हैं instead of petrol. तो वो fuel कौन सा use उन्होंने किया मतलब वो कौन सा करते हैं. तो वो जो fuel use करते हैं वो ethanol है. ethanol जो है वो use करते हैं instead of petrol. So हमारा right answer क्या है जी ethanol. Question number 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल. दिस इज एन अल्कोहल. द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम इज IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट नेम क्या है. तो अगर हम इसकी नेमिंग कर ले तो ये क्या है जी क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3.
1, 2, and 3. सो टू पोजिशन पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. सो टू टू डाइमिथाइल 1 प्रोपेनोल. सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, 2 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनोल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ओ एच बॉन्ड ब्रेक्स. अब यहाँ पे अल्कोहल के रिएक्शन दिखाए गए हैं काफी, और उसमें पूछा ये क्या है कि कौन से रिएक्शन में ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वहां पर ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है. जहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन हो, इट मींस के ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. तो अब हमारे पास जितने भी ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ओ एच बॉन्ड ब्रेक कर रहा है? सो ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है. और अगर सॉल्ट फॉर्मेशन हो तो इसका मतलब यह है कि ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. और जितने भी ऑप्शन हम देखे, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसके अंदर सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है. बाकी सब में सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही. इसका मतलब यह है कि इन सब में क्या है, CO का बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, जबकि ऑप्शन ए जो है इसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 9 इज विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर. विलियमसन सिंथेसिस क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है? तो विलियमसन सिंथेसिस जो है, इट इज ए रिएक्शन विच इज यूज टू प्रोड्यूस और विच इज यूज टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम एल्कोहल. हम विलियमसन जो सिंथेसिस होती है, इससे एल्कोहल से ईथर बनाया जाता है. बेसिकली इस मेथड में होता क्या है, इस रिएक्शन में, सिंथेसिस में होता क्या है कि जो हमारे पास अल्कोहल होता है, यानी कि CH, लेट्स सपोज कि ये जी एक अल्कोहल है, CH3, CH2 और OH, ये क्या है, अल्कोहल है. जो अल्कोहल होता है उसको रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ, मीन्स सोडियम के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है. जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट इसकी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, CH3, CH2. और जैसे कि अभी मैंने एक हिंट दिया था कि जब सॉल्ट फॉर्मेशन होती है तो OH बॉन्ड ब्रेक करता है, तो इसमें भी क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और H की जगह आके लग जाएगा Na+. Na पॉजिटिव होगा और O नेगेटिव होगा. फिर जब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो सॉल्ट बनता है, देन दिस सॉल्ट फर्दर रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड CH3. लेट सपोज कि अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, सिंपल अल्काइल हैलाइड, दैट इज CH3Cl. तो जब ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि ये जो चीज है NaCl बन के निकल जाती है, और उसके बाद ये जो CH3 है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा. तो एज अ रिजल्ट मीन्स बनेगा क्या कि CH3 जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 O CH3. तो ये बना जी हमारा ईथर प्रोड्यूस हो गया. सो इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस में अल्कोहल से ईथर की प्रोडक्शन की जाती है. और इसका विलियमसन सिंथेसिस है, उसका एक एडवांटेज ये है कि इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये डिपेंड किस पे करता है, हमारा अल्काइल हैलाइड के, अगर हम किस टाइप का अल्काइल हैलाइड यूज करें. जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड यूज किया ना, तो मिथाइल क्लोराइड को जब यूज किया, ये ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जाके लग गया, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल ईथर बने. लेकिन अगर मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड यूज करती, तो यहाँ पर इथाइल का कंपाउंड लग जाना था, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या बनना था, इथॉक्सी इथेन बन जाना था, जो कि एक सिमेट्रिकल ईथर है. तो इससे हम विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो है दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो हमारा राइट आंसर बेसिकली क्या है, ईथर. ये विलियमसन सिंथेसिस के विलियमसन सिंथेसिस जो है, इट इज यूज टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम अल्कोहल्स. क्वेश्चन नंबर 10 इज A substance which activates the aromatic, ring to further substitution is called an activating group. Which of the following is strongly activating group attached with benzene ring? Activating group उसको कहेंगे जो कि ortho para director होगा, यानी कि जो electron donating होगा, और
ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, वो कहते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स को। अब जो पहला हमारे पास ऑप्शन है उसमें क्या दिखाया गया, हैलोजन दिखाया गया इसके ऊपर लगा हुआ है, मीन्स ब्रोमोबेंजीन है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैलोजन। सो हैलोजन जो होते हैं ये डी एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, होते ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं लेकिन डी एक्टिवेटिंग होते हैं। क्यों? रीजन इसकी ये है कि जो हैलोजन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, इनका जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे। और इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, इसके जो दोनों इफेक्ट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, दो कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है यानी कि जो डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो थोड़ा डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। लेकिन चूंकि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है वो भी स्ट्रांग है, उसको भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसकी वजह से कि इसी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो होता है लेकिन क्या होता है, डी एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। डी एक्टिवेटिंग मीन्स कि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट तो ये करेगा, यानी कि जो अटैक न्यू सब्स्टिट्यूएंट करेगा वो ऑर्थो पैरा पे तो करेगा लेकिन हार्श कंडीशंस के अंदर करेगा। सो ये तो हमारा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं हुआ, ये क्या है, डी एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं हैलोजन्स जितने भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज OH। सो OH जो है दिस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये क्या है जी, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और ऑर्थो और पैरा पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ये एक्टिवेट कर देता है, उसको फर्दर कोई भी चीज होती है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आके इसके ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाता है। ऑप्शन सी जो है उसके ऊपर तो कोई सब्सटीट्यूट अटैच नहीं है, सो इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिखाया गया है, दिस इज ए डी एक्टिवेटर, यानी कि डी एक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर, ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप दिखाया गया, ये क्या करेगा कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ये तो डीएक्टिवेट कर रहे, डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर है ये। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि OH जो लगा हुआ है दिस इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। So these were all today's MCQs, inshallah. Next video, I'll be back again. It's a more MCQs. So keep watching. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.